नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाने वाले हैं आलू से एकदम नए तरीके का नाश्ता, जो आपने इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं बनाया होगा। बहुत ही हेल्दी, स्वादिष्ट और बनाने में एकदम आसान। चलिए बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी हींग, उसके बाद 1 बारीक कटा हुआ प्याज, उसके साथ में 1 से 2 हरी मिर्च बारीक कटी, और हल्का सा इसको पकाएंगे और साथ में यहाँ पर डाल देंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च भी ऐसे हल्की सी पक जाएगी तो काफ़ी अच्छी लगती है, एकदम क्रंची बनाता है। तो यहाँ पर साथ में टमाटर भी डाल देंगे शिमला मिर्च भुनने के बाद, थोड़ा हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, और इसके बाद इसको मिक्स करके हल्का सा पकाएंगे तो टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपनी पसंद से स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल दिया। अब इसके बाद 2 चम्मच टोमेटो सॉस, उसके अंदर सूखी लाल मिर्च जो होती है उसको थोड़ा सा मोटा पीस लेते हैं मिक्सर जार के अंदर। रेड चिली फ्लेक्स तैयार हो जाता है घर पर इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको डालने से काफ़ी अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आता है। तो हल्का सा बस पकाएंगे, ज़्यादा नहीं। अब इसके बाद निकाल लेते हैं बर्तन में, और यहाँ पर जो मैंने बॉयल आलू लिए हैं इसको थोड़ा सा ग्रेट कर लेंगे, मतलब थोड़ा बारीक करना है तो थोड़ा ग्रेट करेंगे तो अच्छे से बारीक हो जाते हैं जल्दी। और उसके बाद 2 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर, और उसके बाद थोड़ी सी अजवाइन, और इसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो यहाँ पर आप कॉर्नफ्लोर की जगह चावल का आटा या मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा डालना होगा, कॉर्नफ्लोर से थोड़ा जल्दी बाइंडिंग आ जाती है। इसके बाद जो स्टफिंग हमने तैयार की थी उसके अंदर डाल देंगे ये चीज़। आप चाहे तो यहाँ पर पनीर वगैरह भी डाल सकते हैं, चीज़ जो भी आपके पास है। तो यहाँ पर स्टफिंग हमारी तैयार है, हल्का सा मिक्स करेंगे और ठंडा होने के बाद ही डालेंगे, मतलब ये चीज़ वगैरह। अब हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, और जो हमने डो तैयार किया था आलू का, ऐसे मतलब इसको लेंगे बड़ा सा भाग, ऐसे थोड़ा सा मतलब हाथ पर ऐसे सेट करके दबाकर बीच में होल सा कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा इसमें स्पेस कर लेंगे, ऐसे बड़ा सा साइज करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्टफिंग करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप बड़े साइज में इसको कर लें, और यहाँ पर ये बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं ऐसे स्टफिंग करके, और स्वादिष्ट तो बहुत ही ज़्यादा बनता है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आप इस तरीके से ट्राई करेंगे तो। और काफ़ी वेजिटेबल और कुछ चीज़ वगैरह डालते हैं तो काफ़ी हेल्दी भी हो जाता है इस तरीके से, तो आप ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम और तैयार कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा मतलब किनारे की तरफ से इसको स्टफिंग को ऊपर की तरफ दबाकर ऐसे सेट कर लेंगे, तो ये बिल्कुल आसानी से ऐसे बन जाता है ऐसे आप बनाएंगे तो। तो यहाँ पर सभी को ऐसे तैयार कर लेते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ हमने गैस के ऊपर रख दिया है तवा, और उसके बाद तवे के अंदर थोड़ा सा डाल देंगे रिफाइंड ऑयल, मैंने 2 चम्मच डाल दिया, यहाँ पर ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 चम्मच ऑयल के अंदर ही आप बना पाएंगे इसे। सबसे अच्छी बात यही है, कम तेल में ये तैयार हो जाता है एक हेल्दी नाश्ता। और यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह हिलाकर और थोड़ा एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाएगा तब इसको पलट देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक साइड तो काफ़ी अच्छा कलर आ गया, आप दूसरी तरफ से भी ऐसे पका लेते हैं। तो है ना बिल्कुल आसान सा एकदम नए तरीके का नाश्ता आलू से, इस तरीके से तो आपने कभी नहीं बनाया होगा। तो यहाँ पर एकदम क्रिस्पी और अच्छा बनता है इस तरीके से आप बनाएंगे तो। और यहाँ पर इसको गैस की फ्लेम बिल्कुल मतलब कम करके इसको पकाएंगे तो काफ़ी अच्छे से ये क्रिस्पी बनता है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हमने पका लिया, दोनों तरफ से काफ़ी अच्छा कलर आ गया, अब इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये तरीका तो बिल्कुल आसान है, आप गर्मा गर्म ऐसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय नहीं है पहले से तैयार करके रख ले, और फिर उसके बाद ऐसे आप गर्म करके मतलब फ्राई कर दे ऐसे, तो है ना बिल्कुल आसान और एकदम नए तरीके का नाश्ता। अब इसको हम थोड़ा सा कट करके देख लेते हैं, तो काफ़ी गर्म भी है तो थोड़ा सा मैं इसको चक्कू से ऐसे कट करती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखने से आपको पता चल रहा हो कितना क्रिस्पी और अच्छा बनता है, आप ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा एकदम हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता। तो जल्द मिलते हैं और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।